आप सभी दर्शकों को मुकेश खन्ना का प्रणाम। भीष्म पितामह का आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियाँ। दोस्तों, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो शख्स किसी भी तरह की गेम में पार्टिसिपेट करता है, किसी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, टेनिस हो, हुतुतु हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या फिर ताइक्वांडो हो, कराटे हो, जूडो हो, वो सभी जो पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे शक्तिमान बनते जाते हैं। तो मुझे खुशी होती है जब मैं किसी को देखता हूँ कि भी मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन में पार्ट भी लूँगा, या आप पार्टिसिपेट करें, दैट इट सेल्फ विल गिव यू दी एनर्जी फ्रॉम योर साइड, जो शक्तिमान बोलता है कि आपके यहाँ शक्ति का खजाना है। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंडियन ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप आपकी हैदराबाद में 11 जून से लेकर 16 जून तक होने जा रही है, जिसमें 40 कंट्रीज अराउंड पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसको ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं हमारे इंडिया के जितने भी योद्धा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी को ढेर सारी शक्तियां देना चाहूँगा, विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा पितामह भीष्म की तरफ से। और जो इसके पीछे सही मायने में जो लगे हुए योद्धा, जो हमारे प्रभात शर्मा हैं, संजय शर्मा हैं और परवेश खान हैं, इन सभी को मैं शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियाँ दूंगा और कहूँगा कि इसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, ताकि बहुत सारी संख्या में लोग आएँ। और मैं यही कहूँगा, विजयी भव, पुत्र विजयी।